हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के लेक्चर में हम समझेंगे एडवांस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं जिसका नाम है सिनर्जी। आपके सामने देखिए ये वर्ड है। सिनर्जी की बेसिक इंग्लिश मीनिंग जो है वो है जॉइंट टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, कॉपरेशन या साथ साथ काम करना, कॉपरेट करना या जॉइंट इफेक्ट, कुछ ऐसी इसकी मीनिंग है। सिनर्जी से ही एक वर्ड बना है जिसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक की परिभाषा यह है कि जब दो या दो से ज़्यादा कोई डिसिप्लिन या कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलकर एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करें तो उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं। अब आइए इंजीनियरिंग के फील्ड में सिनर्जिस्टिक को डिफाइन कर लेते हैं। सिनर्जिस्टिक की डिफिनेशन है, द टर्म सिनर्जिस्टिक इंप्लाइज इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन टू प्रोड्यूस ए कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट। जब इंजीनियरिंग की दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन को एक साथ कंबाइंड करके एक ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इररिस्पेक्टिवली देयर सेपरेट इफेक्ट, तब इसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक। सपोज दैट इंजीनियरिंग की दो ब्रांचेस को आपस में मिक्स करके एक बेहतरीन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली एक सिंगल ब्रांच के अकेले इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, तब उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक। जैसे कि मान लो दो ब्रांचेस हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों को मिक्स करके एक नई ब्रांच बना लें जिसको मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं, तो ये आता है सिनर्जिस्टिक के तहत। जब दो सेपरेट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या दो सेपरेट साइंस को एक साथ मिक्स करके एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसका इफेक्ट ग्रेटर हो किससे, उसकी एक सिंगल डिसिप्लिन से, तब जो है उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस ही सिनर्जी कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कुछ सिनर्जिस्टिक प्रोसेस को। सबसे पहले एक टर्म है जो कि बहुत ही एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के पीछे है और इसको एडवांस इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये टर्म उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये टर्म है मेकाट्रॉनिक्स। आइए समझते हैं मेकाट्रॉनिक्स है क्या। वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मेकाट्रॉनिक्स इज जस्ट इंडिकेटेड मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो शुरुआती तौर पर मेकाट्रॉनिक्स को डिफाइन किया गया तो कहा गया कि ये जो है दो इंजीनियरिंग ब्रांचों का समेशन है और वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। Now we are going to define the mechatronics. If we want to define the mechatronics, then we can say that it is fascinating branch of engineering science which has initially been a combination of mechanics and electronics. तो initially जब हमने mechatronics define किया तो हमने कहा कि ये combination है mechanics और electronics का। तो कुल मिला के mechatronics की को इनिशियली क्या कहा गया कि ये मिक्सचर है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ मेकाट्रॉनिक्स का एक ब्रॉडर डिफिनेशन आई और इसने ना केवल दो ब्रांच को कवर किया बल्कि इसने कई सारी ब्रांचेस को कवर कर लिया, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। तो जो मेकाट्रॉनिक्स है उसकी नई और वर्तमान डिफिनेशन अगर दें तो अब कहेंगे कि मेकाट्रॉनिक्स जो है वो ना केवल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स वर्जन है या कॉम्बिनेशन है बल्कि ये कवर करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, कम्युनिकेशन को, कंट्रोल को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आइए अब डिफिनेशन शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं इनिशियल डिफिनेशन क्या थी मेकाट्रॉनिक्स की। मेकाट्रॉनिक्स इज फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच हैज इनिशियली बीन कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बट विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी मेकाट्रॉनिक्स बिकम ब्रॉड बेस्ड कवरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वी कैन से दैट इनिशियली मेकाट्रॉनिक्स इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंटीग्रेट्स और यूनाइट्स प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग
यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स टू जनरेट ए सिंपलर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स आज के परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉडर सेंस में, कई सारे ब्रांचेस का मिक्सचर है, जिसमें आती हैं मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इनिशियल डेफिनेशन की बात करें शुरुआती तौर पर, तो कहते थे कि मेकाट्रॉनिक्स का मतलब है मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अब ऐसी परिभाषाएँ नहीं है। अब ब्रॉडर डेफिनेशन ये है कि कई सारी ब्रांचेस का मिक्सचर है, और ये ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ब्रॉड टर्म में अगर हम कहें तो मेकाट्रॉनिक्स जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है, या जो कि वो यूनाइट करता है या इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स देता है, किस किस प्रिंसिपल को मिला के बनी हुई है। ये इसमें यूज हुए हैं प्रिंसिपल मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटिंग के, और ये प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल को यूज करके हम जनरेट करते हैं एक सिंपलर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम। जब कोई ब्रांच या इंजीनियरिंग या एडवांस इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल को यूज करके एक सिंपलर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम जनरेट करता है, उसे मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। तो एकदम क्लियर कट डेफिनेशन ये कह लीजिए कि जो है एडवांस इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को आपस में कंबाइंड करके एक सिंपलर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम जनरेट करता है, उसे मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ये मेकाट्रॉनिक्स क्या है। द सिनर्जिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंस कंट्रोल एल्गोरिदम इज डिजाइन टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट प्रोसेस। कह रहा है कि जब मैकेनिकल ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेलिजेंट कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, एल्गोरिदम कर देते हैं, और फिर जो है कोई प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, तब ये पूरा जो है मेकाट्रॉनिक्स के तहत आता है। अब आप ये फिगर देखिए, मेकाट्रॉनिक्स जो है इसने इंक्लूड किया है बहुत सारी ब्रांच। इसमें ब्रांचेस हैं मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पूरा फिगर आप देख के कह सकते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस का, मल्टीपल डिसिप्लिन का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी को क्या कहते हैं, मेकाट्रॉनिक्स। ऐसी ब्रांचेस जब बनाई जाती हैं तो उसका उद्देश्य होता है सिंपलर प्रोडक्ट बनाना, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनाना, या सिंपलर आउटपुट लेना, या रिलायबल और इकोनॉमिकल आउटपुट लेना। और इनका जो इफेक्ट होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन का, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ब्रांच और सिंगल डिसिप्लिन। तो आइए अब समझते हैं कि जो है मॉडर्न एरा में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेकाट्रॉनिक्स के तहत आते हैं, ठीक है, उसको भी समझते जाते हैं। मेकाट्रॉनिक्स इज ट्रीटेड एज ए मॉडर्न बुज वर्ड सिनोनिम्स विद द ऑटोमोशन, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स, आइए समझते हैं कुछ सिस्टम समझते हैं मेकाट्रॉनिक्स के अंडर आने वाले। आइए कुछ सिस्टम समझते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर जो डिजिटली कंट्रोल्ड कंबशन इंजन आते हैं, CI इंजन आते हैं, वो जो है मेकाट्रॉनिक्स के तहत आते हैं। क्योंकि CI इंजन, अगर केवल जो है कंबशन इंजन की बात करें तो वो मैकेनिकल इंजन हैं, लेकिन अगर उसको डिजिटली कंट्रोल करते हैं तो डिजिटल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया और कंबशन इंजन मैकेनिकल का पार्ट हो गया। तो दो डिसिप्लिन का मिक्सचर है ये, इसीलिए इसको कहेंगे ये एक मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट है। जब डिजिटली, अगर वो केवल इंजन होता, केवल जो है कंबशन इंजन होता, तो वो मैकेनिकल डिसिप्लिन में आता। अगर केवल वो डिजिटल वाला पार्ट ही होता तो वो इलेक्ट्रिकल में, या तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता। लेकिन जब डिजिटली कंट्रोल कंबशन इंजन बोलते हैं तब ये आता है मेकाट्रॉनिक के पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इसी तरह से मशीन टूल विद सेल्फ अडाप्टिव टूल्स, ठीक है,
देखो, वो मशीन टूल जो कि सेल्फ एडॉप्टिव हैं वो भी मेकाट्रॉनिक्स टूल कहलाएंगे, क्योंकि अगर टूल केवल मैकेनिकल होता, जैसे ड्रिल ड्रिल होता एक, या बोरिंग मशीन होती, या लेथ होता, तो केवल अगर वैसे ही है तब इसको हम कहेंगे कि केवल ये मैकेनिकल टूल है। लेकिन जब इसमें कोई सेल्फ एडॉप्शन है, मतलब इसमें कोई कंप्यूटर जनरेटेड या किसी कंप्यूटर इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है, तब ये दो ब्रांचेस का मिक्सचर हो जाएगा, या तो इंटेलिजेंस प्लस मैकेनिकल का, या फिर कंप्यूटर प्लस मैकेनिकल का, तब इसको कहेंगे कि ये मेकाट्रॉनिक का पार्ट है। तो मशीन टूल विथ सेल्फ अडाप्टिव टूल, ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से सीएनसी, जो सीएनसी मशीन्स हैं जो आजकल आती हैं काफी, कंप्यूटर कंट्रोल सीएनसी, वो भी जो है मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट है, क्योंकि मैकेनिकल और कंप्यूटर के मिक्सर होती हैं। इसी तरह से कॉन्टैक्ट फ्री मैग्नेटिक बेयरिंग, केवल अगर बेयरिंग होती तो मैकेनिकल का पार्ट होती, लेकिन कॉन्टैक्ट फ्री मैग्नेटिक बेयरिंग, ये दो देखो, मैग्नेटिक जो है ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया, और बियरिंग जो है मैकेनिकल का पार्ट हो गया, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इसीलिए इसको जो है मैकाट्रॉनिक कहेंगे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम सिनर्जिस्टिक सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, देखो अगर केवल व्हीकल्स होता तो मैकेनिकल होता, लेकिन अगर वो ऑटोमेटेड है तो ऑटोमेटेड उसको गाइड कौन कर रहा है, कोई कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंट सिस्टम यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ है प्लस मैकेनिकल के साथ, तो इसीलिए ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स भी जो है वो मैकाट्रॉनिक्स का पार्ट होगा। रोबोट्स जो है, रोबोट्स भी जो है उसमें देखो, रोबोट्स में जो उसको उसका दिमाग लगाया जाता है वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, और जबकि रोबोट के जो लोहे वाले पार्ट्स होते हैं वो मैकेनिकल का पार्ट होता है। तो रोबोट इटसेल्फ इज ए मैकाट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, ये सारे जो है मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम में आते हैं, डिजिटली कंट्रोल्ड कंबसन इंजन, मशीन टूल विद सेल्फ एडाप्टिव टूल्स, कॉन्टेक्ट फ्री मैग्नेटिक बियरिंग्स, एंड ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स एंड रोबोट्स, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, मैकाट्रॉनिक सिस्टम है, मैकाट्रॉनिक्स के सिस्टम है। फिजिकली ए मैकाट्रॉनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फोर प्राइम कंपोनेंट्स, ये केवल चार जो है मेन पार्ट होते हैं किसी भी मैकाट्रॉनिक सिस्टम में। वो चार पार्ट कौन से हैं, एक वन बाई वन लिख लीजिए। पहला पार्ट है सेंसर, दूसरा पार्ट है एक्चुएटर, तीसरा पार्ट है कंट्रोलर, और चौथा पार्ट है मैकेनिकल कंपोनेंट। किसी भी मैकाट्रॉनिक सिस्टम में कुल मेन चार पार्ट होते हैं, और बाकी कई सारे सब पार्ट होते हैं, लेकिन ये कुल चार पार्ट होते हैं। एक होता है सेंसर, दूसरा होता है एक्चुएटर, तीसरा होता है कंट्रोलर, और चौथा होता है मैकेनिकल कंपोनेंट। तो ये चारों के चारों जो है पार्ट होते हैं किसी भी जो है मैकाट्रॉनिक सिस्टम में। ये फिगर देख लीजिए, इसको बेकायदा ये फिगर याद रखिएगा। देखो सबसे पहले जो सेंस हुआ है वो सेंसर पे हुआ है, उसके बाद ये सेंसर जो है ये फिर सेंसिंग सिग्नल को आगे बढ़ा देता है, और ये कहाँ पे आता है, ये माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, इसको इस पे आता है, और ये वाला जो है कंप्यूटर का पार्ट है, और उसके बाद ये फिर कमांड सिग्नल को आगे जो है फॉरवर्ड करता है, और कमांड सिग्नल कहाँ पे जाता है, मैकेनिकल कंपोनेंट के हिसाब से। तो कमांड सिग्नल कौन देता है, माइक्रो प्रोसेसर देता है, ये कंप्यूटराइज पार्ट है या इंटेलिजेंट यूनिट है इसको कह सकते हैं। यहाँ से कमांड सिग्नल भेजा गया कि इसको मैकेनिकल वाले पार्ट को या मैकेनिकल कंपोनेंट को, अब वो वर्क करेगा इस कमांड पे, और फिर एक्चुएशन होगा, और फिर जो है प्लांट में वर्क होगा, पूरे प्लांट सिस्टम में वर्क होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम। अगर आपसे अब कोई पूछे कि जो है मैकाट्रॉनिक्स क्या है, सिनर्जी क्या है, कुछ मैकाट्रॉनिक सिस्टम क्या बताएंगे, तो आप सब कुछ बता लेंगे, और एक मैकाट्रॉनिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं। आइए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। इनिशियली मैकाट्रॉनिक्स का मतलब था मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो ब्रांच एडवांस इंजीनियरिंग की जिसमें केवल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल यूज होते हैं, उन्हें मैकाट्रॉनिक्स कहते हैं। ये इनिशियल डिफिनेशन थी, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ इंजीनियरिंग हुई, और इंजीनियरिंग में जैसे जैसे क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजीज आई, हमें यह पता चला कि मेकाट्रॉनिक्स केवल दो ब्रांचेज या दो डिसिप्लिन का मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये कई सारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का मिक्सचर है, और इसमें हमने इंक्लूड कर लिया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बाद में जो ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई, वो कहा गया कि जो मेकाट्रॉनिक्स है
वो कई सारे डिसिप्लिन्स का कंबाइंड है, और ये डिसिप्लिन्स हैं मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसको कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि इंटीग्रेट करती है या जो यूनाइट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ द मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग एंड द इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम कह सकते हैं कि एडवांस इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि कई सारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के प्रिंसिपल को जो है आपस में क्या करती है, कंबाइंड करती है, जैसे कि मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल को कंबाइंड करके एक ज़्यादा सिंपलर और इकोनॉमिकल और रिलायबल सिस्टम प्रोड्यूस करती है, उसको क्या कहते हैं, मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। कुछ मेकाट्रॉनिक सिस्टम आप देख लीजिए, जैसे कि डिजिटली कंट्रोल कंबसन इंजन हो गया, मशीन टूल विद सेल्फ अडाप्टिव टूल, कॉन्टैक्ट फ्री मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, या फिर रोबोट्स हो गया। और एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम में कुल चार पार्ट होते हैं, सेंसर होते हैं, उसके बाद फिर एक्चुएटर होते हैं, उसके बाद फिर कंट्रोल्ड यूनिट या कंट्रोलर होता है, उसके बाद मैकेनिकल कंपोनेंट। तो सेंसर से सेंस करके एक इनपुट फॉरवर्ड किया जाता है, और फिर वो माइक्रो प्रोसेसर पर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और फिर कमांड दे दी जाती है मैकेनिकल यूनिट को, और वहाँ से फिर उसके बाद वर्क आउटपुट एक्चुएशन के बाद आता है प्लांट सिस्टम को। तो इस तरह से क्या है, पूरा आप जो है मेकाट्रॉनिक समझ गए होंगे। एक बार इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आपको शायद समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।